ऑपरेशन डेरा को लेकर बांछड़ा समुदाय के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते रविवार की देर रात नीमच सिटी पुलिस द्वारा ऑपरेशन डेरा के तहत मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसमें 6 महिलाओं व 4 नाबालिग लड़कियों और 12 युवकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 4 नाबालिग लड़कियां थीं, जिसे लेकर आज बांछड़ा समुदाय के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बांछड़ा समुदाय के लोगों का कहना है कि पुलिस ने सभी युवतियों का मेडिकल जिला अस्पताल में करवाया था। जिन 4 छात्राओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनका भी मेडिकल कराया गया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में वे गलत नहीं पाई गई है, जिसके बाद भी पुलिस ने उन नाबालिग युवतियों को हिरासत में लेकर मंदसौर भेज दिया है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई खराब हो रही है। इसी को लेकर आज हम जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। परिजनों ने यहां तक बताया कि यह 4 नाबालिग युवतियां स्थानीय शहर के कोठी स्कूल में अध्ययनरत है, साथ ही देह व्यापार से इन छात्राओं का कोई लेना देना नहीं है। आया हूँ, राकेश कुमार मालवी नाम है मेरा। समस्या ये है कि मेरी 3 बच्चियां हैं, एक 10वीं क्लास में पढ़ती है, एक 9वीं पढ़ती है और एक 7वीं पढ़ती है। ठीक है मैडम, मैं गरीब आदमी होकर उनको पढ़ा रहा हूँ, उनका भविष्य बनाना चाहता हूँ, और ये एंजॉय वाले, ये रेड वाले, ये पुलिस प्रशासन, ये आते हैं रेड मारने के लिए, पकड़ के ले आते हैं। अभी रेड करी इन्होंने, परसों के रोज़ पकड़ के लाए। मैं ये कहता हूँ कि जो धंधे वाली है, जो नाबालिग बच्ची धंधा कर रही है, आप उसको पकड़ो, उसको सुधार गृह में डालो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मुझे कोई समस्या नहीं। हमारे समाज को भी इस चीज़ से कोई समस्या नहीं है। बाकी जो लड़की रियल में पढ़ रही है, उसका इस देह व्यापार से कोई संबंध नहीं है। उसको आप उसके परिवार से लाके और बंद करवा देते हो, एंजॉय में बंद करा देते हो, वो वन स्टार जो संस्था है उसमें भेज देते हो, तो सर ऐसा कैसे चलेगा श्रीमान? वो पढ़ने जाती 8वीं क्लास में पढ़ती, और उसको दरवाजा तोड़ के पुलिस ने और इसने एंजॉय वाले ने, आका चौहान एंजॉय वाले ने, और गुंडागर्दी करा, ऐसे करा हमारे साथ। हम सब पकड़ रहे लड़कियों को, सब जितने बच्चे थे स्कूल वाले सबको बिठा ले, डांगे बरसाए, दारू पी रखा था उन्होंने, और दरवाजा भी तोड़ के और हमारी लड़की को निकाला। हमारी लड़की कोई कसूर नहीं, डॉक्टरी भी की जाए सर, उसकी डॉक्टरी भी हो गई तो भी नाबालिग की, हमारी लड़की धंधे वाली नहीं, फिर भी हमारी लड़की को जबरदस्ती अभी मंदसौर पता नहीं कहाँ पहुँचाया, कल 4 दिन हो गए और हमारी लड़की को जबरदस्ती पुलिस वाले ने और जबरदस्ती पकड़ रखा है। सर चौहान सर, मैं अपना हिंगुरिया फाटक से आया हूँ। सर हमारी बच्चा ऐसी नाबालिग है, पहले स्कूल में पढ़ने वाली है, जो स्कूल जाती है रेगुलर, जो धंधा करती है उसकी बात अलग है, लेकिन जो बच्चा नाबालिग के अंदर जो स्कूलों अंदर पढ़ रही है उनको छोड़ दिया जाए, उनका मेडिकल वगैरह सब कुछ क्लियर है, उनके स्कूल के जो प्रिंसिपल है, सर है, मैडम है, सब आ चुके हैं, फिर बाद भी उनको ना छोड़ी गई, ना उनको पुलिस के अंदर थाने में बुला दिया गया, मैडम को, इनको, सबको, फिर भी आकाश की कोई ऐसी चालबाजी लग रही है मेरे को कि शायद ये पुलिस प्रशासन के अंदर लेके इन बच्चों को बंद करवा देता है, फिर उसके बाद में ये मंदसौर एंजॉय के अंदर छोड़ता है। क्या पता, ऐसा लगता है इसकी वहाँ आमदनी पैसों की बंदी हुई है, क्या पता ये कुछ होता है। और यहाँ ज्ञापन देना है रावतखेड़ा, और यहाँ शायद जतप्रसाद सर, हम ज्ञापन ये देना है कि जो हमारे साथ पुलिस प्रशासन एक ही काम करती है, आती है सर वहाँ पे, रेड डालती है, बेगुनाह पकड़ के लाती है और नाबालिग को पकड़ के लाती है, लाके वहाँ पे सर उनका तोड़ बट्टा भी होता है और छोड़ती भी है सर, वो जो एक्चुअली में जो गलत है उसके लिए हम सही है, ठीक है। और हमारे बच्चे जो है वो नाबालिग है, पढ़ने जाती है स्कूल में, 4 बच्ची है, 4 पढ़ने जाती है सर, और उनका ये कहना है उनके पेरेंट्स का कि उनको छोड़ा जाए, और उनको पुलिस प्रशासन उनके साथ जो गलत हो रहा है, गलत होने तो कोई दिक्कत नहीं, उनके साथ भी हम भी है। मान में 29 तारीख को जो रेड हुई थी, पुलिस के द्वारा जो रेड की गई थी, उसमें मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसके नाते मैं ये अपनी बात को रखना चाहता हूँ, मीडिया के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जेतपुरा में जो 29 तारीख को जो रेड हुई थी, उसमें कई पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं उनको भी पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। हम मानते हैं कि समुदाय में देह व्यापार होता है, लेकिन जो गलत करता है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे, उस पर हमको कोई एतराज़ नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में जो लड़कियां, जो पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, जो रेगुलर स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को भी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद में पेरेंट्स के द्वारा भी सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद भी उन्हें नहीं छोड़ा जाता है, और उनको काफ़ी सारी मानसिक हिंसा उनके साथ में होती है, वो कहीं ना कहीं गलत मानते हैं हम लोग। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ कैमरामैन शादाब शिकारी की रिपोर्ट।